अयोध्या की पावन धरा पर रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में भगवान राम की महाआरती की गई। साथ ही महाकाल मंदिर के कोटि तीर्थ कुंड और शिखर दर्शन स्थल के चारों ओर 1,00,000 दीप प्रज्वलित किए गए। शिखर दर्शन स्थल पर दीपों से जय श्री राम व हिंदू धर्मानुसार सभी शुभ चिन्हों से मंदिर सजाया गया। दीप प्रज्वलन और महाकाल मंदिर की विशेष लाइटिंग से दीपावली जैसा पर्व दिखाई दिया। आज महाकाल के प्रांगण में भव्य दिवाली मनाई गई, भजन संध्या चल रही, दीप उत्सव करा, आतिशबाजी हुई। बाबा महाकाल के बगैर अधूरे राम अधूरे और राम के बगैर बाबा महाकाल अधूरे। आज रामलला अपने घर पे विराजित हुए तो महाकाल के आंगन में भी बहुत हर्ष उल्लास के साथ दीप उत्सव मनाया जा रहा है। आप भी आसपास देखेंगे कि लोग नाच रहे, गा रहे और दीप उत्सव मना रहे हैं। कई सालों बाद वापस से अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, तो किस तरह का लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? आप ये उत्साह यहाँ पे आज चारों तरफ कैमरा घुमाई है तो आपको दिखेगा कि लोग कितना आनंदमय है। बाहर के भी लोग आए, वो भी यहाँ नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, दीप उत्सव हो रहा है। तो महाकाल के आंगन में राम लला जब अपने घर पे विराजित हुए तो ये आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि राम के बगैर महाकाल अधूरे और महाकाल के बगैर राम अधूरे। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में निरंतर भजनों की प्रस्तुति पर भक्त जमकर थिरकते व भक्ति में लीन दिखाई दिए। धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा के प्राण प्रतिष्ठा के बाद काफी उत्साह देखा जा रहा है। बाबा महाकाल के प्रांगण में विशेष यहाँ पर भजनों की संध्या की जा रही है। भजन संध्या में भगवा रंग यहाँ पर लहराए जा रहे हैं तो यहाँ पर कई युवा और युवतियाँ नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भजनों की धुन पर झूमते नजर आ रहे हैं। पूरे महाकाल मंदिर को पूरे आकर्षक सज्जा से सजाया गया है। यहाँ पर 1,00,000 से अधिक दीपक यहाँ जलाए गए हैं, जिसके बाद भजन में यहाँ पर लोग झूमते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह यहाँ लोगों में, हम चर्चा करेंगे कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और क्या खास है आज का दिन। बहुत खास है आज का दिन, बहुत पूरा उज्जैन, पूरी अवंती का नगरी राममयी हो गई है, पूरा भगवा रंग छाया हुआ है, सब कुछ राम 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 की दुनिया हो रही है। राम लला के आने के बाद इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद? युतिया भी है, आप नृत्य यहाँ पर कर रही है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, 500 साल का हमारा प्रतीक्षा पूरी हुई और हम इसके साक्षी, हमें मतलब बहुत गर्व हो रहा है, मतलब इतना उत्साह के बाद जय जय श्री राम। जय जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, युवा यहाँ पर नाच रहे हैं, युतिया यहाँ पर नाचती हुई दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि 500 साल बाद हमें यह मौका मिला है और हमारी जो आस्था है उसका जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो खास तौर पर राम जी के आने के बाद अब पूरा देश भर राममय होगा। उज्जैन से मनोज कुशवाहा, डीजीएनआई न्यूज। मंदिर परिसर में आकर्षक और भव्य आतिशबाजी की गई। भगवान राम की आरती के दौरान सभी भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। देख रहे हैं कि सुबह से ही भस्म आरती के समय से ही रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें पूरे महाकालेश्वर मंदिर में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह महा अभिषेक हो भस्म आरती में या दोपहर 12:30 बजे महाआरती हो, उसके पश्चात दिन भर जो हलवा प्रसाद वितरण हुआ, साथ ही शाम को एक परिसर में बाबा राम भगवान की एक महाआरती का आयोजन किया गया था। उसके साथ ही आप देख रहे हैं भजन संध्या है और दीपोत्सव का आयोजन भी किया गया है और भव्य आतिशबाजी की जा रही है। तो बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी का माहौल चारों तरफ है जो चारों तरफ को दिख रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में महाकालेश्वर मंदिर में राम भक्त मौजूद रहे।